दोस्तों कुकिंग लाइव स्विता किचन में आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार, एकदम स्वादिष्ट और कम ऑयल में बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये हमने एक पाव हरी मिर्च ली है, इनको धोकर हम किचन टॉवल पर अच्छे से पोंछ लेंगे, बिल्कुल गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा नींबू का रस लेंगे और एक चम्मच हम जीरा लेंगे, एक चम्मच साबुत धनिया लेंगे, एक चम्मच हम सौंफ लेंगे और डेढ़ चम्मच हम सरसों लेंगे और आधा चम्मच हम मेथी दाना लेंगे। उसके बाद हम डेढ़ चम्मच नमक लेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हम गरम मसाला लेंगे। अब हम मिर्चों को कट कर लेते हैं, आप बड़े या छोटे पीस में कट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आप ऐसे ही बनाइएगा और हफ्ते 10 दिन तक खाइएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब भी कोई सब्ज़ी नहीं हो तो आप इस अचार के साथ भी रोटी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब ये जो मसाले हैं इनको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। इनके भूनने से मसाला बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होगा और मिर्चों में भी स्वाद बढ़ेगा। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इनको ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इनको हम पीस लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, सिर्फ दरदरा ही रखना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा ही आपको रखना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसे ही दरदरा रखेंगे। और अब हम मिर्चों में मसाला ऐड कर देंगे, आप मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम मिक्स कर देंगे, जो मसाला हमने पीसा है वो भी डाल देते हैं। और ये हम नींबू का रस डाल देते हैं, विनेगर भी डाल सकते हैं आप 3 से 4 चम्मच। और ये सरसों का तेल सिर्फ 2 चम्मच ही डाल रही हूँ मैं। अब मिक्स कर देंगे और ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए ये बनकर तैयार है, ऐसे ही बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।